मुस्लिम सत्ता धीरे धीरे भारत से शिकंजा कर रही थी, तो मुस्लिम सत्ता जब शिकंजा कर रही थी तो उसी समय सुहागव का शासन हो गया और वहाँ का एक बड़ा फेमस राजा हुआ जिसका नाम था जैनुल आबदीन। इसका क्या नाम था? जैनुल आबदीन। और वो अकबर की तरीके सभी धर्मों को मानता, इसे नहीं, इसको कहा गया कश्मीर का, इसको क्या कहा गया? शादी नहीं की गई, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा गया, क्योंकि जैनुल आबदीन जो था सभी धर्मों को मानता। जैसे अपना अकबर था, अकबर क्या करता था कि उसके इबादत खाना बनवाता था, इबादत खाने में जाके वो सारे धर्मों के लोगों को बुलाता था और उनके बारे में उनके विचार होता कि किसके बारे में क्या विचार है, तो वही काम जैन नाम करता था। इसीलिए तुलना करते क्या कश्मीर का अकबर किसको कहा गया? तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर भारत में तय कर। अब आती है हैदराबाद, बीच भारत में सोचो हैदराबाद जाने के लिए पूजा बनवाना, ठीक है? हैदराबाद पहुँचते ही उनको वहाँ की एक पूजा लगी हुई थी, तो इन्होंने क्या किया, सेना को, पटेल ने सेना को पुलिस की वर्दी पहनाई और जबरदस्ती हैदराबाद को भारत में, ये जानते थे कि हैदराबाद के निजाम जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ जारी हुए। वो पहुंचे इधर से जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया तो उनके प्रतिनिधि बन के कौन पहुंचे? सरदार तो पटेल ने क्या कहा कि हमारे देश का ही आंतरिक मामला था, हैदराबाद में आएंगे जो है भारत में स्थित है, तो हमने ये सैनिक कार्रवाई नहीं करवाई, ये पुलिस कार्रवाई, और सैनिक को भर्ती पुलिस की पहना दी गई थी। तो इस तरीके से हैदराबाद याद रखना, हैदराबाद जम्मू कश्मीर जो ना भारत में आ रही थी और ना ही पाकिस्तान में आ रही थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी पूरा विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति भी बनी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी 182 स्टेचू ऑफ यूनिटी क्या है उसकी